नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों, 5 साल सरकारी नौकरी से पहले संविदा पर रखने की जो बात कही गई थी, जो अपडेट आई थी, उसकी नियमावली हाथ लग चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले MKPI फार्मूला कैसे काम करेगा, किस तरीके से आपके अंकों का निर्धारण होगा। आप लोग जानते हैं, सरकारी नौकरी से पहले आप लोगों को 5 साल संविदा पर रखा जाएगा, यानी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 5 साल संविदा के तौर पर आपको काम करना होगा। उसके 5 साल बाद अगर आप इलिजिबल पाए गए, आपका जो छमाही मूल्यांकन होगा उसमें पास हो गए, तब आपको नियुक्ति पक्की दी जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से MKPI फार्मूला काम करेगा, इस वीडियो में वो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों को इस नीति का व्यापक रूप से विरोध करना होगा, चाहे आपको सड़कों पर उतरना पड़े या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इस नीति का विरोध करिए, क्योंकि किसी भी कर्मचारी के लिए ना ही जो नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं, किसी के लिए भी नीति अच्छी नहीं है, सबके लिए घातक है। तो व्यापक रूप से इसका विरोध आप लोग करते रहिए। आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग 2 की तरफ से विज्ञप्ति ये है, 26 मई 2020 से सरकार इस पर काम कर रही है और अभी तक किसी को भनक भी नहीं लगी। जब ये न्यूज पेपर में आई तब ये जो नीति है वायरल हुई है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सभी विभागों के लिए नोटिस जारी की गई है और कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में समूह ख एवं समूह ग के पदों पर नियुक्ति की गई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। नियुक्ति की नई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है, जिसमें कार्मिक विभाग द्वारा कार्मिकों के मूल्यांकन हेतु 5 मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी MKPI निर्धारित किए गए हैं। नीचे लिखा है, कार्मिक विभाग द्वारा मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी MKPI की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त MKPI पर अपना अभिमत दिनांक 27/5/2020 तक कार्मिक विभाग अनुभाग 2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही अपने अपने विभाग से संबंधित 5 अतिरिक्त मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों, फिलहाल इन डिपार्टमेंट से ये सूचना मांगी गई थी, 5 अलग से यहाँ पर MKPI फार्मूला मांगे गए थे। ये सरकार गुपचुप तरीके से कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, परिशिष्ट 2 में यहाँ पर 5 मेजरेबल की पॉइंट्स लिखे हैं, जिनके आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन होगा। तो एक एक करके समझ लेते हैं कैसे आप लोगों का छमाही मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पर लिखा है, छमाही मूल्यांकन के लिए सामान्य मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। पहला यहाँ पर जो मूल्यांकन होगा, आपका उपस्थिति के हिसाब से मूल्यांकन होगा। यहाँ पर लिखा है, उपस्थिति पंजिका के आधार पर अनुपातिक अंक दिए जाएंगे। छमाही के पूर्ण कार्य दिवस में उपस्थित होने पर संबंधित नियुक्त व्यक्ति को 100 अंक दिए जाएंगे। अगर आपकी पूरी उपस्थिति है तो आपको 100 अंक दिए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में उपस्थिति के दिनों के हिसाब से आप लोगों का वहाँ पर अंक कट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, उपस्थिति की कुल संख्या बटे छमाही में कुल कार्य दिवस गुणे 100। इस तरीके से यहाँ पर फार्मूला आपका कैलकुलेट किया जाएगा नंबर। ठीक है, अगर आपकी पूरी पूरी उपस्थिति है तो आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, उपस्थिति कम है तो यहाँ पर उसी के अनुसार आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, अधिकतम अंक 100 होंगे। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया, जिसके आधार पर आपका निर्धारण होगा, जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा, वो यहाँ पर कही गई, कंप्यूटर में दक्षता, टाइप करने की गति और कार्य क्षेत्र की जानकारी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, नियुक्त प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष द्वारा पारदर्शी परीक्षा आयोजित करा करके मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका अधिकतम अंक 100 होगा। यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह करवाई जाएगी, क्योंकि ग्रुप सी की जो पोस्ट है वहाँ पर दिख रहा टाइपिंग वगैरह लगती है, तो यहाँ पर टाइपिंग करवाई जाएगी, परीक्षा करवाई जाएगी, उसके माध्यम से जैसी आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है, और जैसा आपका कार्य होगा उस हिसाब से आपको अधिकतम अंक 100 मिलेंगे, इसके अलावा अंक कम भी हो जाएंगे। इसके अलावा तृतीय जो मानक रखा गया है वो ये है कि मानक के सापेक्ष किया गया कार्य, आप जो कार्य कर रहे हैं वो मानक के सापेक्ष है नहीं है, उसके आधार पर भी आप लोगों को 100 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है वो समझ लीजिए, देखा संबंधित नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने पास एक डायरी रखी जाएगी, जिसमें नियमित रूप से निस्तारण हेतु निर्धारित कार्य दिवस का अंकन किया जाएगा। छमाही निस्तारण के आधार पर आनुपातिक अंक प्रदान किए जाएंगे, अधिकतम अंक 100 होंगे। उदाहरण स्वरूप, यदि प्रतिदिन 7 विपत्र निर्धारित करना निर्धारित किया गया है,
तो उसकी डायरी के आधार पर छमाही कार्य दिवसों में कुल निस्तारण के सापेक्ष निम्न प्रकार अंक दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला बनाया गया कि निस्तारित कुल छमाही में विपत्रों की संख्या बटे छमाही कार्य दिवस के आधार पर निस्तारण का लक्ष्य, यानी कितना आपने काम किया है और कितना आपको लक्ष्य दिया गया था गुणे 100, इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसा आप लोगों का नंबर आएगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको आगे प्रोसीड होगा। आप लोग जानते हैं कि इसमें 60% अंक लाना अनिवार्य है। अब ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हर सेक्शन में 60% अंक लाना अनिवार्य है कि टोटल पांचों को मिलाकर के 60% अंक लाना अनिवार्य है। अब चौथा पॉइंट ये देख लीजिए, लिखा है कार्य को कुप्रभावित करने वाली कोई बीमारी या अयोग्यता। अगर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है या अयोग्यता है तो भी आप लोगों के नंबर कट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है संबंधित नियुक्त व्यक्ति में कार्य को कुप्रभावित करने वाली बीमारी अथवा अयोग्यता पाए जाने पर 20 अंक कम कर दिए जाएंगे, मतलब अधिकतम अंक 100 हैं अगर कोई बीमारी या अयोग्यता पाई गई। और अयोग्यता दोस्तों डिपार्टमेंट द्वारा जानबूझकर भी थोपी जा भी जा सकती है, कई तरह की। अगर आपको नीचा दिखाना है, आपको नहीं प्रमोशन करना, नहीं आपको नंबर देना, तो विभागाध्यक्ष कुछ भी कर सकती हैं आपके खिलाफ, इसी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये कहा गया समयबद्धता अच्छी हो तथा विवाद उत्पन्न करने की प्रवृत्ति। अगर आपका समयबद्धता अच्छी नहीं है, मतलब आप लेट हो जाते हैं किसी कारण से, तब भी यहाँ पे आपके अंक जो है नंबर हैं कट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टाफ में या कहीं पर किसी कोई विवाद हो जाता है तब भी आपके अंक कट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है संबंधित नियुक्ति व्यक्ति द्वारा समयबद्धता अच्छी ना होने तथा छमाही कार्य दिवसों में पालन न करने पर एवं विवाद उत्पन्न करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होने की स्थिति में 20 अंक कम कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 5 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये सामान्य पॉइंट है, इसके अलावा हर विभाग में विभाग के अनुसार कुछ अलग अलग पॉइंट भी निकल करके सामने आ सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों ये इस नीतियाँ जो किसी भी कर्मचारी के लिए अच्छी नहीं, किसी भी कर्मचारी के फेवर में नहीं है। आप लोगों का इस MKPI फार्मूला का व्यापक रूप से विरोध करना होगा। सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट और रीट्वीट करें, स्टॉप MKPI इन UP इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में मिलेगी, हम आपको आने वाले वीडियोस के माध्यम से सारी अपडेट देते रहेंगे। इससे पहले भी हमने इस नीति से संबंधित कई सारे वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, सरकार के कानों तक ये इसकी भनक पहुँचे कि ये फार्मूला किसी भी तरीके से कर्मचारियों के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपसे शेयर करने की गुजारिश, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।